बाकी लोगों को स्क्रीन शो कर रहा है, पर सुरेंद्र को क्यों नहीं कर रहा पता नहीं। वॉइस भी कट कट कर आ रही है तो और भाई स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं आ एक रही। काम करो, तुम कहाँ पे हो अभी? इंटरनेट इंटरनेट की इशू है भाई, ये तो तुम इंटरनेट राउटर के पास जाके बैठो जहाँ पे तुम्हारा नेट चल रहा है सही। अगर वाईफाई चला रखा है तुमने, वाईफाई तो अभी मेरा खराब हो रखा है रात से, और अभी मोबाइल से चला रहा हूँ तो मोबाइल से भी ऐसे ही चल रहा है। हाँ तो फिर वो तुम्हारे एंड की दिक्कत है, कोई बात नहीं, तू अब ऐसे ही देख लो, अब क्या कर सकते हैं, नेट की ठीक दिक्कत है है, तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है, खैर बाकी सबको स्क्रीन शो कर रहा है ना सर? तू सुनता रहे, कोई दिक्कत नहीं। शो हो रही है। ठीक है, बाकी वीडियो देख लियो, वीडियो भेज दूंगा तो। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? चलो मैं यहाँ पे राउटर के ऊपर कुछ इंटरफेसेस बना रहा हूँ, मान के यहाँ पे मैंने तीन इंटरफेस, यहाँ पे दो ही बनाता हूँ। ठीक है, दो इंटरफेसेस। देखो ये मेरा राउटर है, इस राउटर के ऊपर मैंने एक ब्लू कलर का पोर्ट बनाया और दो ब्लैक कलर के। तो जो ब्लू वाला पोर्ट है, दिस इज अ कंसोल पोर्ट, एंड ये जो दोनों हैं ये मेरे फास्ट इथरनेट है, मैं आपको बता भी देता हूँ। यानी ये वाला जो है मेरा, दिस इज अ कंसोल पोर्ट, ये मेरा कंसोल पोर्ट है, एंड एंड दिस इज द एफ या फिर गीगाबिट मान के चलो, या जीरो गीगाबिट, 0x0 गीगाबिट, 0x1। ये दो इंटरफेसेज हैं, देखो ये फिजिकल इंटरफेसेज हैं, ये कंसोल इंटरफेसेज हैं, दोनों ही मतलब है तो तीनों ही फिजिकल इंटरफेसेज, बट ये कंसोल पोर्ट के लिए है और ये गीगाबिट पोर्ट है। अब इसके अंदर जो ये कंसोल पोर्ट है, इस कंसोल पोर्ट को जो यूज होता है, इस कंसोल पोर्ट का जो यूज होता है वो होता है टू एक्सेस फिजिकल फिजिकल एक्सेस ऑफ द राउटर, टू टेक फिजिकल एक्सेस ऑफ द राउटर। अगर हमें राउटर का फिजिकल एक्सेस लेना है तो मुझे कंसोल पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इफ आई नीड रिमोट एक्सेस, ये जो दोनों पोर्ट हैं, देखो राउटर को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, देर आर टू वे टू एक्सेस राउटर। हम राउटर को दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, पहला है फिजिकल एक्सेस, मतलब मुझे राउटर के पास जाना है, उसको वायर से कनेक्ट करना है, उसको अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप से डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करना है और मुझे उसका फिजिकल एक्सेस लेना है। दूसरा तरीका क्या है कि रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस मुझे कब लेना है कि जब मैं राउटर के पास नहीं हूँ। मान के चलो मेरे पास, मेरी कंपनी के दो ब्रांचेज हैं, एक दिल्ली में है एक मुंबई में है। दिल्ली वाले जो ऑफिस है मैं वहाँ बैठता हूँ, मुझे अगर उसका फिजिकल एक्सेस लेना है तो मैं राउटर सर्वर रूम में जाऊँगा, क्योंकि राउटर वगैरह जो होते हैं ये सारे हमारे सर्वर रूम में रखे रहते हैं। तो सर्वर रूम में जाऊंगा और अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को जो भी है मेरे पास है वो अवेलेबल वो लेकर जाऊंगा और उसको मैं फिजिकली कनेक्ट करूंगा राउटर के साथ, वो मेरे राउटर का फिजिकल एक्सेस आ गया। लेकिन जो राउटर मेरा एक अनदर लोकेशन पे है, जो कि है मान के चलो मुंबई में रखा हुआ है, मैं उस राउटर का अगर एक्सेस लेना चाहता हूँ तो मैं ये तो नहीं कि मैं ट्रेन पकड़ के जाऊँगा और उसको कनेक्ट करूँगा वापस आऊँगा, नहीं, तो मैं उसको क्या एक्सेस ले सकता हूँ, उसको मैं रिमोट एक्सेस लूँगा। तो दो मेथड है राउटर को एक्सेस करने के लिए, एक फिजिकल मेथड और एक है रिमोट एक्सेस। तो फिजिकल एक्सेस लेने के लिए हमारा कंसोल पोर्ट यूज किया जाता है, और जो ये जो पोर्ट है गीगाबिट 0 एंड 1, ये जो पोर्ट्स हैं, ये जो दोनों पोर्ट्स आप लोग देख रहे हो, दिस इज द डेटा पोर्ट, इसको हम डेटा पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों है गीगाबिट 0x0 एंड 0x1, ये दोनों मेरा डेटा पोर्ट है, और मुझे रिमोट एक्सेस करना है तो मुझे इस इंटरफेस को हिट करना पड़ेगा। देखो अगर मुझे फिजिकली एक्सेस लेना है अपने राउटर का, तो मैं राउटर के पास अपना लैपटॉप लेकर जाऊंगा, ये मेरा लैपटॉप है, और लैपटॉप के ऊपर मैं क्या करूंगा, एक कंसोल केबल लगाऊंगा। मान के चलो मेरी कंसोल केबल है, कंसोल केबल मैं एक
लैपटॉप पे लगाऊंगा, दूसरा पोर्ट मैं इसके ऊपर लगा दूंगा राउटर के कंसोल पोर्ट पे, और मेरे पास राउटर का फिजिकली एक्सेस आ जाएगा। इस चीज़ के लिए मुझे लैपटॉप को अपने राउटर के पास लेकर जाना पड़ेगा, जहाँ पे भी राउटर मेरा लगा हुआ है। एंड अगर मान के चलो मैं अपने ये राउटर मेरा 5th फ्लोर पे लगा हुआ है, 5th फ्लोर पे है, और मान के चलो मेरा 5th फ्लोर पे ना के कि अनदर लोकेशन पे है, रिमोट लोकेशन पे है, रिमोट लोकेशन पे है, रिमोट लोकेशन मीन्स मुंबई में रखा हुआ है, तो मैं इस चीज़ के लिए क्या करूँगा, मैं इस चीज़ के लिए इसका रिमोट एक्सेस लूँगा। तो रिमोट एक्सेस लेने के लिए मेरे पास दो प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज टेलनेट एंड अनदर इज SSH। ये दो प्रोटोकॉल हैं जिसका यूज़ करके मैं अपने स्विच का, राउटर का रिमोट एक्सेस ले सकता हूँ। मतलब मैं अब कहीं पे भी बैठा हूँ, वहीं से बैठ के मैं अपने राउटर का या स्विच का एक्सेस ले सकता हूँ। तो अभी हम SSH को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग टेलनेट को डिस्कस करेंगे, टेलनेट क्या होता है। ठीक है, म्यूट कर लो, इसका भी खुला हुआ है, सुरेंद्र तो हुआ मुझे लगता है, हाँ मुझे पता है। हाँ तो सबसे पहले आज हम लोग टेलनेट के बारे में बात करेंगे, टेलनेट क्या होता है। ठीक है, तो टेलनेट, तो टेलनेट क्या है, इट इज यूज फॉर टू टेक रिमोट एक्सेस ऑफ द राउटर एंड स्विच। स्विच का और राउटर का अगर मुझे रिमोट एक्सेस लेना है तो मुझे क्या ही चाहिए, टेलनेट चाहिए। यानी टेलनेट क्या है, ये कह सकते हो कि इट इज एन एप्लीकेशन, इट इज एन एप्लीकेशन, ये मेरा एक एप्लीकेशन है जो कि एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करती है। ये मेरा एक एप्लीकेशन है जिसका यूज़ किया जाता है रिमोट एक्सेस लेने के लिए, रिमोट एंड राउटर एंड स्विचेस का। जो भी मेरा स्विच है, राउटर है, उसका अगर मुझे रिमोट एक्सेस लेना है तो मुझे टेलनेट का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज, इट इज यूज इट यूजेस सॉरी इट यूजेस TCP पोर्ट नंबर 23। ये TCP का 23 पोर्ट नंबर यूज करता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि दो प्रोटोकॉल होते हैं, TCP एंड UDP। तो जो टेलनेट है वो तेरा TCP के ऊपर काम करता है, जिसका पोर्ट नंबर 23 है। ये 23 पोर्ट रिजर्व है मेरा टेलनेट की सर्विसेज के लिए। और एक इसका डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज मेरा टेलनेट का डिसएडवांटेज एक ये है। क्या डिसएडवांटेज है राहुल, क्योंकि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द टेलनेट, टेलनेट का क्या डिसएडवांटेज है? सिक्योर नहीं है कोई। यस, इट इज नॉट सिक्योर बिकॉज कम्युनिकेशन हैपन इन प्लेन टेक्स्ट ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर ये मेरा बेसिकली प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेशन करता है। यानी जो मेरा यूजर नेम पासवर्ड जो सेंड किया जाएगा वो प्लेन टेक्स्ट में, तो प्लेन टेक्स्ट का मतलब कोई भी उसको कैप्चर करके उस पासवर्ड और यूजर नेम को देख सकता है। ये डिसएडवांटेज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बाद में, ठीक है? अभी हम लोग फोकस करते हैं इन चीज के ऊपर। तो सबसे पहले बात आती है कि हम लोग राउटर के ऊपर कैसे हम लोग टेलनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो राउटर पे जाऊंगा मैं, और राउटर के ऊपर मैं कमांड टाइप करूंगा। मैं मान के चलो मेरा ये R1 है, और मैं इसके कॉन्फ़िग मोड पे जाऊंगा। ध्यान रखना, मुझे कॉन्फ़िग मोड पे जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल करके, और यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूंगा, दिस इज लाइन, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, लाइन VTY 024। ये मैं कमांड टाइप करूंगा, लाइन VTY 024,
और एंटर मारने के बाद मैं नेक्स्ट कमांड टाइप करूंगा यहाँ पे, लॉगिन। मैं अभी लॉगिन नहीं लिखता हूँ, मैं जस्ट लाइन VTO 0 to 4 लिखूंगा। चलो लिख ही देते हैं 0 to 4, एंड उसके बाद नेक्स्ट कमांड टाइप करूंगा लॉगिन एंड पासवर्ड। पासवर्ड इज cisco@123। जैसे मैं ये कमांड लिख के एग्जिट करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, एग्जिट कर दूंगा और मेरा क्या होगा, मेरा टेलनेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इट इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन टू कॉन्फ़िगर द टेलनेट। टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन। मैं अभी आप लोगों को एक एक कमांड का मतलब समझाऊंगा, ठीक है, कि क्या मतलब है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ टाइप करी है लाइन। अब यहाँ पे बात आती है लाइन का मतलब क्या है, VTY का मतलब क्या है, और ये 0 to 4 का मतलब क्या है। पहले मैं इस फर्स्ट वाली लाइन को मैं समझता हूँ कि ये है क्या एक्चुअल में, इस कमांड से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैंने लाइन कीवर्ड क्यों यूज़ किया है। तो लाइन कीवर्ड का मतलब है इट इज़ अ सॉफ्टवेयर हुज टास्क इज प्रोवाइड CLI एक्सेस ऑफ द राउटर। मतलब जो मैंने लाइन कीवर्ड टाइप किया है इस कमांड का, ये एक एप्लीकेशन है। देखो ये प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं, इसको मैंने नहीं बनाया है, जिसने भी राउटर को डेवलप किया है उसके ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है, जिसने भी उस एप्लीकेशन को डेवलप किया है उस बंदे ने, उस डेवलपर ने इस चीज़ को बनाया है। तो उसका मतलब क्या है, ये जो लाइन कीवर्ड है, लाइन कीवर्ड का मतलब है कि ये एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर है। इस कमांड की हेल्प से ही, इस लाइन कीवर्ड की हेल्प से ही आप अपने राउटर का CLI एक्सेस ले सकते हो। अगर मैं ये लाइन कीवर्ड मैं नहीं डालूंगा तो मैं राउटर का CLI एक्सेस नहीं ले सकता। CLI का मतलब क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, जहां पे मैं कमांड के थ्रू राउटर को मैनेज करता हूं। तो लाइन क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर हुज टास्क इज प्रोवाइड CLI एक्सेस ऑफ द राउटर। राउटर का CLI एक्सेस लेने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है मेरा VTY। व्हाट डू यू मीन बाय VTY? VTY का मतलब है वर्चुअल टर्मिनल। अब देखो राउटर को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी। पहला है फिजिकल एक्सेस और दूसरा है रिमोट एक्सेस। तो जो रिमोट एक्सेस है ना, उसके लिए हम वर्चुअल टर्मिनल यूज करते हैं। वर्चुअल टर्मिनल हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब मुझे उसका रिमोट एक्सेस लेना होगा राउटर का, तो मैं वर्चुअल टर्मिनल। तो वर्चुअल टर्मिनल मींस ये जो मेरे जो डेटा वाले पोर्ट है ना, इसको मैं वर्चुअल टर्मिनल की तरह यूज करूंगा। ये मेरा वर्चुअल टर्मिनल होगा और दिस इज माई कंसोल पोर्ट, मीन्स फिजिकल पोर्ट। तो राउटर को हम दो तरीके से मैनेज करते हैं, फिजिकली एंड रिमोटली। अगर मुझे रिमोटली एक्सेस करना होगा तो मैं इस वर्चुअल टर्मिनल का यूज करूंगा, यानी इनपोर्ट का यूज करूंगा। इनपोर्ट्स का मैं यूज करूंगा, और अगर मुझे फिजिकल एक्सेस लेना है तो मैं इस कंसोल पोर्ट का यूज करूंगा। ये चीज सबको समझ में आई, पहले बताओ फिर मैं आगे और समझाता हूँ। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। एवरीवन फैज भी कौन कौन है? हाँ सबको समझ में आया ना? ठीक है, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब लाइन VTY 0 to 4, अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय 0 by 4? इसका मतलब देखो, लाइन का मतलब हमें समझ में आ गया। लाइन का मतलब मुझे समझ में आ गया, VTY का मतलब भी मुझे समझ में आ गया, वे वर्चुअल टर्मिनल है। अब व्हाट डू यू मीन बाय 0 by 4? 0 by 4, 0 और 4 का मतलब क्या है, कि मैक्सिमम
मैक्सिमम यू कैन कह सकते हैं कि मैक्सिमम यूजर्स एक्सेस, या कह सकते हो हाउ मैनी यूजर्स कैन एक्सेस राउटर एट द सेम टाइम। यानी मैं एक राउटर पे बैठा हूँ, मेरा एक राउटर है, उस राउटर को एट द सेम टाइम कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं, ये वर्तमान मेरे को बताता है कि हाउ मैनी यूजर्स कैन एक्सेस, हाउ मैनी यूजर्स कैन एक्सेस राउटर एट द सेम टाइम। आप अपने राउटर को एट द सेम टाइम कितने लोगों को एक्सेस दे सकते हो। अब मेरे मान के चलो मेरे कंपनी के अंदर 5 नेटवर्क इंजीनियर हैं। अब 5 नेटवर्क इंजीनियर हैं तो मेरे पास 5 नेटवर्क इंजीनियर्स हैं। अब हो सकता है कि एट द सेम टाइम पांचों लोग काम करें राउटर के ऊपर, या हो सकता है 2 लोग काम करें, हो सकता है 3 लोग काम करें। तो अगर मैंने यहाँ पे ये कमांड दिया 04, 04 का मतलब है कि मैक्सिमम 5 यूजर्स, 0 to 4 का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 हो गए। अगर मैंने यहाँ पे कमांड ये दिया होता लाइन VTY 0 to 9, तो हाउ मैनी यूजर कैन एक्सेस एट द सेम टाइम, टोटल 10 यूजर। मतलब मैं 10 यूजर को, 10 यूजर एक एट द सेम टाइम राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। मान के चलो मेरे पास 11, 12 यूजर हैं टोटल, मेरे पास 12 यूजर्स हैं मेरे नेटवर्क में, लेकिन मैंने एक्सेस एट द सेम टाइम 10 को दिया हुआ है। अब 10 यूजर्स ने क्या किया है, राउटर को एक्सेस किया हुआ है। अब जब 11th नंबर वाला जब यूजर आएगा और वो एक्सेस करेगा, और वो एक्सेस नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि एट द सेम टाइम 10 यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं, और जो कि 10 के 10 यूजर उन्होंने एक्सेस लिया होगा, तो 11th वाला यूजर जो होगा वो मेरा एक्सेस नहीं ले सकता। वो वेट करेगा जब तक एक कोई भी लॉग आउट नहीं हो जाता। तो 0 to 4 का मतलब समझ में आ गया होगा कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स को मैं एट द सेम टाइम लॉग इन करने के लिए बता रहा हूँ, दे रहा हूँ कि हाउ मेनी यूजर्स कैन एक्सेस एट द सेम टाइम। ठीक जी, है, 5 लोग। हाँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कमांड दिया लॉग इन, नेक्स्ट कमांड मैंने क्या दिया, लॉग इन। लॉग इन का मतलब है कि भैया यूजर लॉग इन करे, अगर मैं लॉग इन कीवर्ड नहीं दूंगा तो वो लॉग इन ही नहीं कर पाएगा। मतलब भाई लाइन वीडियो, मतलब मैं रिमोट एक्सेस लूंगा तो लॉग इन ही करूँगा एक्चुअल में, तो अगर मैं ये लॉग इन कीवर्ड नहीं दूंगा तो राउटर के ऊपर आप लॉग इन नहीं कर सकते। आप मैंने लाइन वीडियो जीरो, मैंने ये तो बता दिया कि 5 यूजर कर सके, लेकिन कब, जब वो लॉग इन करें। इस कीवर्ड का मतलब है कि लॉग इन करें। और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे पासवर्ड, मुझे पासवर्ड भी नेसेसरी है देना। अगर मैं पासवर्ड नहीं देता हूँ तो मैं राउटर को एक्सेस नहीं कर सकता। ये प्री रिक्विटिज है। अगर मैं टेलनेट कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ अपने राउटर के ऊपर, तो सबसे पहले कमांड दूंगा लाइन VTY स्पेस 0 to 4। लाइन VTY 0 to 4, VTY मैं यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे डाटा, मुझे इसको फिजिकली एक्सेस नहीं करना है, मुझे इसको वर्चुअली एक्सेस करना है, मतलब मुझे इसको रिमोट एक्सेस करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे VTY दिया हुआ है। अगर मुझे इसको फिजिकली एक्सेस करना होता तो मैं इसके अंदर कमांड लिखता लाइन कंसोल, यहाँ पे मैं कंसोल कीवर्ड देता और उसके बाद 0। देखो कंसोल पोर्ट एक ही होता है, इसको मैं 0 ही दे सकता हूँ, इसके अलावा 0 से लेके 4 या 5 नहीं दे सकता, 0 ही दे सकता हूँ 0 के ऊपर, क्योंकि एक ही कंसोल पोर्ट पे। यानी कंसोल पोर्ट क्या है, एक फिजिकल कनेक्टर है, यानी फिजिकल आपका इंटरफेस है, उस फिजिकल इंटरफेस के ऊपर एक ही बंदा एट ए टाइम लॉग इन हो सकता है। अब राउटर के पास एक ही कंसोल पोर्ट है, अब आपने लगा लिया कंसोल पोर्ट इसके अंदर, तो आप एक एट ए टाइम एक ही यूज कर सकते हो, दूसरा बंदा इसके अंदर केवल, जब तक भाई ये केवल ऑलरेडी इंसर्ट है, तो मैं कैसे इसका दूसरा एक्सेस ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। तो इसलिए इसका कंसोल पोर्ट 0 ही होता है हमेशा, इसका कंसोल पोर्ट 0 ही होता है हमेशा। अगर मेरे पास 2 कंसोल पोर्ट होते, मान के चलो यहाँ पे एक कंसोल पोर्ट ऑड होता, तो यहाँ पे मैं कंसोल 0 और 1 करता, मतलब एट ए टाइम 2 बंदे लॉग इन हो सकते थे। बट कंसोल पोर्ट आपके राउटर में या स्विच में एक ही होता है, और एक ही पोर्ट के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, तो फिजिकल कनेक्टिविटी सिर्फ एक ही बन सकती है, लेकिन वर्चुअल कनेक्टिविटी
जो आप बना सकते हो कि कितने नंबर की 10 करने हैं या 15 कर रहा है या 20 करने हैं, कितने मैक्सिमम एक राउटर के ऊपर बंदा लॉगिन कर सकता है, ये आपका डिपेंड करता है राउटर टू राउटर, राउटर के मॉडल के ऊपर भी डिपेंड करता है। राउटर के कई मॉडल होते हैं ऐसे जिसके अंदर आप एट ए टाइम 10 मैक्सिमम यूजर को लॉगिन करा सकते हैं, उससे ज़्यादा करा ही नहीं सकते। कुछ राउटर ऐसे हैं कि एट द सेम टाइम आप 50 यूजर को लॉगिन करा सकते हो, बाकी को नहीं करा, मतलब उससे ज़्यादा नहीं करा सकते। तो ये सारा वेरी करता है आपका राउटर और राउटर का मॉडल नंबर, वो भी हम एक एक करके चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं अपना वही वापस पैकेट ट्रेसर ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं राउटर ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस देखो मैं यहाँ पे एक्चुअल में वो चीज़ बता रहा हूँ जो हम लोग ऑफिस में चीज़ें करते हैं। कम इंस्टीट्यूट में क्या हुआ, भाई उठाया राउटर को टेलनेट कॉन्फ़िगर करा दिया, नहीं। अब मान के चलो आप एक नया राउटर परचेस करके लाए हो, देखो टेलनेट आप तभी कर सकते हो जब इस राउटर के इंटरफेस के ऊपर आईपी चल रहा हो और उसको आप रिमोटली एक्सेस करोगे तभी आप कर सकते हो। लेकिन आप एक नया राउटर लेके आए हो, बॉक्स से अपने जैसे उसको अभी ओपन किया है, उसके अंदर एकदम ब्रांड न्यू है वो, आप नया नया अभी मार्केट से परचेस करके लाए हो, तो उसको आप डायरेक्टली टेलनेट एक्सेस नहीं कर सकते। माइंड में रखना ये चीज़, सिर्फ राहुल को छोड़ के राहुल की चीज़ें पता हैं, अगर नहीं पता तो भी सुन लो कि जब भी हम एक राउटर को परचेस कर कर लाते हैं नया, तो उसको हम कभी भी टेलनेट नहीं कर सकते, क्योंकि उस राउटर के ऊपर कोई भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो एक ब्रांड न्यू है। तो फिजिकली मुझे पहले उसको एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने ये राउटर लिया, ठीक है। अभी मैं एक राउटर को परचेस करके लाया हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक लैपटॉप लिया मैंने अपना, ठीक है। इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ राउटर का कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है इनिशियली, बाद में हम टेलनेट करते हैं। मैं परचेस करके लाया एक राउटर, उसके बाद मैंने एक लैपटॉप लिया और उस लैपटॉप को कंसोल केबल के साथ, ये कंसोल केबल है देखो ये ब्लू वाला, कंसोल केबल पे क्लिक किया, RS232 पे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक किया, ये कंसोल पोर्ट पे ऐड कर दिया। मैंने राउटर के कंसोल पोर्ट से मैंने अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया है। अब मैं लैपटॉप पे जाऊंगा, देखो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं, ये लैपटॉप है मेरा फिजिकल लैपटॉप है, इस फिजिकल लैपटॉप को मैंने किसी फिजिकल राउटर के साथ कनेक्ट किया कंसोल केबल के साथ, तो मैं क्या करूँगा, एक पुट्टी सॉफ्टवेयर होता है मैंने आप लोगों को बताया था, और पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, अभी इसको क्लोज करते हैं, अभी मैं वर्चुअली बता रहा हूँ। तो आपको इसके ऊपर जाना है, डेस्कटॉप पे आना है और यहाँ पे कम ये ऑप्शन है एप्लीकेशन टर्मिनल वाला, इस पर जाओ, ओके करो। जैसे आप ओके करोगे ये आपके राउटर का एक्सेस आ गया, ठीक है। और मैं इसको सबसे पहले मैं नो करूँगा, नो करने के बाद इनेबल पे गया। देखो अभी एक चीज़ गौर करना, मैं इसको क्लोज करता हूँ वापस, मैं इस केबल को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इस कंसोल पोर्ट को यहाँ पे क्लिक किया, RS232 पे क्लिक किया, इस पे गया कंसोल पोर्ट पे लगा दिया, राइट। मैंने जैसे ही अब राउटर पे गया, सॉरी सिस्टम पे गया, टर्मिनल पे गया और मैंने यहाँ से ओके कर दिया और ये मेरे पास राउटर का कंसोल आ गया। मेरे पास कंसोल का एक्सेस डायरेक्टली आ गया, ना तो मेरे से अभी इसने कोई यूज़र नेम मांगा, ना पासवर्ड मांगा, ना कुछ मांगा। इनिशियली ये कुछ नहीं मांगता है, आपको एक्सेस मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये सिक्योर नहीं है। अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो, आपने फर्स्ट टाइम राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो जो आपका कंसोल पोर्ट है उसके ऊपर भी आपको पासवर्ड सेट करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अगर आप पासवर्ड सेट नहीं करते हो, ठीक है। अब एक आपने इस राउटर को सर्वर रूम में रखा हुआ है, अब आपके कंपनी में एक ऐसा यूज़र आया, ठीक है, जो कि फ्रेशर है, वो भी सर्वर रूम में जा सकता है, ठीक है। अब आपने राउटर के कंसोल के ऊपर आपने कोई पासवर्ड नहीं लगा रखा है, तो वो बंदा क्या करेगा, अपना राउटर अपना, अब वो बंदा क्या किया, आपने इसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी करने के बाद अपना लैपटॉप लिया और चल दिए, अब अपना घर चले गए लेके, ठीक है। अब एक यूज़र आया, फ्रेश यूज़र आया, वो अपना लैपटॉप लेकर आया, कंसोल पोर्ट आपके राउटर के साथ लगा हुआ था, उसने उठाया, राउटर के पास पहले से कंसोल केबल लगा हुआ था, ठीक है, उसने उठा के अपने पीसी में लगा लिया और पीसी में लगाया, गया और टर्मिनल एक्सेस किया और उसके पास भी राउटर का एक्सेस आ गया, उसके पास एक्सेस आ गया, जबकि एक्सेस नहीं देना चाहिए था हमें। हम एक सीनियर नेटवर्क इंजीनियर हैं,
हम जूनियर को कभी भी इस चीज़ का एक्सेस नहीं देंगे कि उठा के राउटर को एक्सेस कर ले। तो हमको हम क्या कर सकते हैं, इस कंसोल पोर्ट के ऊपर जो कि मैं फिजिकली एक्सेस कर रहा हूँ राउटर का, इसको मैं पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। इसके ऊपर पासवर्ड सेट करने से ये होगा कि जब भी मैं कंसोल पोर्ट कनेक्ट करूँगा वो मेरे से पासवर्ड पूछेगा, और पासवर्ड जब तक मैं नहीं दूंगा मैं कंसोल पोर्ट में, तब तक मैं राउटर के अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो मैं कैसे सेट कर सकता हूँ, तो ये मेरे उस जूनियर का लैपटॉप है, छोड़ो उसको, मैं सीनियर हूँ, मैं आया, मैंने इस कंसोल पोर्ट से इसको एक्सेस किया। कंसोल पोर्ट पे एक्सेस करने के बाद अब मुझे कंसोल के ऊपर पासवर्ड लगाना है, कंसोल पोर्ट के ऊपर पासवर्ड जो उसका फिजिकल एक्सेस लेने के लिए। तो मैं सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाऊंगा, और सबको दिखाई दे रहा है ना भाई लोगों, नहीं तो साइज थोड़ा बड़ा कर लेता, रुक जाओ, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट साइज। ठीक है, अब सही है। ठीक है, देखो मैं राउटर पे गया, कॉन्फ़िगर मोड पे गया, तो मैं वही कमांड टाइप करूंगा लाइन। अब मैं यहाँ पे लाइन करने के बाद मैं क्वेश्चन मार्क मारता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे पास कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन अभी जो फोकस करना है आपको कंसोल पे एंड VTY पे। VTY का मतलब वर्चुअल टर्मिनल, एंड कंसोल का मतलब प्राइमरी टर्मिनल, मतलब वो फिजिकल एक्सेस। तो मैं अभी कंसोल की बात करूंगा, तो मैं लाइन कंसोल पे आया और क्वेश्चन मार्क मारा, तो यहाँ पे देखो कितने लाइन दिखा रहा है, 0x0, मतलब एक ही लाइन है मेरे पास कंसोल का, एक ही कनेक्टर है, इसलिए 0x0 दिखा रहा है। अगर मान लो मेरे पास दो कंसोल पोर्ट होते तो यहाँ पे 0 लिखा होता और -1 लिखा होता, तो मतलब मेरे पास दो पोर्ट हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कितने पोर्ट हैं, एक ही है, इसलिए 0x0 आ रहा है। तो मैं 0 लिखूंगा और एंटर मार दूंगा, मैं लाइन कंसोल पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट करूंगा, पासवर्ड लिखा और पासवर्ड दे दिया मैंने सिस्को, और एंटर कर दिया और एग्जिट कर दिया, एग्जिट कर दिया। अब मैं अभी अभी मैं कहाँ पे हूँ, प्रिविलेज मोड पे हूँ, एग्जिट कर दिया, मैं बाहर आ गया, और मैंने को पता है कि मैंने क्या पासवर्ड रखा है, और मैंने कैंसिल किया अपना कंसोल केबल, हटाया और मैं अपना घर चला गया। एक यूज़र आया मेरे पीछे से, उसकी शिफ्ट थी, नया यूज़र था, वो सर्वर रूम में घुस गया, और सर्वर रूम में घुसने के बाद उसको पता है कि यह राउटर के ऊपर कंसोल केबल लगा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, उस कंसोल केबल को मैं उठा के अपने लैपटॉप में लगा लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि राउटर के ऊपर क्या कन्फिग्रेशन आप लोगों ने की हुई है। तो उस इंजीनियर ने क्या किया, वो गया अपने कंसोल पोर्ट पे गया, और जैसे ही उसको देखो एक्सेस मिल गया, इसको मिल गया ना एक्सेस, भाई मैंने पासवर्ड तो लगे लेकिन वो सेट ही नहीं हुआ। मैंने क्या किया, एग्जिट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कंसोल पोर्ट लगाया और मैंने इसको अपने पोर्ट पे लगाया, और यहाँ से मैंने इसको ओके किया, और मैं जैसे ही इनेबल करूँगा मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, मैंने पासवर्ड तो सेट कर दिया लेकिन उसने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो ये रीज़न क्या है इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पासवर्ड सेट किया था, लेकिन हमने वहाँ पे एक चीज़ नहीं बताया था कि लॉग इन, क्योंकि कंसोल में मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ। वो पासवर्ड मुझसे कब मांगे, जब मैं लॉग इन करूँ, मैंने बता तो दिया पासवर्ड मांगे। मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैं कमांड बताता हूँ मैंने क्या टाइप किया था, मैंने यहाँ पे क्या कमांड टाइप किया, लाइन कंसोल 0, कि कंसोल 0 पे पासवर्ड सेट किया मैंने सिस्को, यही किया था ना मैंने अभी, और मैंने सिस्को टाइप के छोड़ दिया, लेकिन मैंने इसको बताया तो नहीं ना भाई कि मैंने लाइन कीवर्ड पे, लाइन कंसोल पे मैंने पासवर्ड सेट कर दिया क्या सिस्को, बट मैंने इसको बताया नहीं कि आपको ये पासवर्ड कब मांगना है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, लॉग इन मतलब जब बंदा लॉग इन करे तब आपको ये पासवर्ड पूछना है। तो मैंने वहाँ पे लॉग इन कीवर्ड चलाया ही नहीं, जिसके वजह से वो मेरे को अभी भी पासवर्ड नहीं पूछ रहा है। तो मैं वापस गलती ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं वापस आया, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन लैपटॉप,
ये एडमिन का लैपटॉप है, ठीक है, नाम भी लिख देता हूँ, ये जूनियर है, जूनियर स्पेलिंग फील्ड है, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, ये जूनियर इंजीनियर है, इसकी शिफ्ट नहीं थी। आप लैपटॉप लेकर आए, ठीक है, आप मतलब राउटर लेकर आए, आपने इसको कंसोल कीबोर्ड से कनेक्ट किया, आपने लैपटॉप पे लगा लिया, आपने इसका कंसोल एक्सेस लेने के लिए टर्मिनल पे चले गए, ओके किया, आपने आपने दोबारा से कॉन्फ़िगर करना है कंसोल, पहले कॉन्फ़िगर करेंगे यानी कॉन्फ़िगर मोड पे जाएंगे, लाइन कीवर्ड लगाएंगे, कंसोल लिखेंगे 0, पासवर्ड हमने ऑलरेडी सिस्को सेट किया हुआ है, बट हमने उसको बताया नहीं कि आपको ये पासवर्ड कब मांगना है, तो मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, लॉग इन कीवर्ड टाइप करना पड़ेगा, यानी जब लॉग इन करे तब पासवर्ड मांगे, लॉग इन डाल दिया, एग्जिट एग्जिट एग्जिट, मांग रहा पासवर्ड, अब मैं गलत पासवर्ड दूंगा तो मैं राउटर का एक्सेस ले ही नहीं सकता, तो मेरा काम खत्म। मैं चेक भी कर लेता हूँ सिस्को से एक्सेस कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, सिस्को आ गया एक्सेस, बंद करो, अब मेरा काम खत्म, मैं अपना लैपटॉप उठाया घर चला गया, मेरे पीछे से जूनियर आया, कह रहा भाई चलो सर्वर रूम में घुसते हैं, राउटर को एक्सेस करते हैं, उसने कंसोल केबल लगाया और कनेक्ट कर लिया, चलो भाई राउटर को एक्सेस करके थोड़ा खेल लिया जाए इसके साथ, तो बंदे ने एक्सेस किया और जैसे ही एक्सेस की पहले से एक्सेस लिया, जैसे इसने एक्सेस किया तो देखा कि भाई यहाँ तो पासवर्ड मांग रहा है, अब वो पासवर्ड मांगेगा, अब इसके पास पासवर्ड नहीं है तो ये राउटर का फिजिकल एक्सेस नहीं ले सकता। तो आपको पता लग गया कि फिजिकल, देखो कंसोल पोर्ट के ऊपर ना बहुत से लोग बताते नहीं हैं, छोड़ना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आपको कंसोल पोर्ट को भी सिक्योर करना है ताकि उसका फिजिकल एक्सेस कोई ना ले सके। तो ये चीज़ किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकता है, फिर मैं आगे बताऊँ, फिर मैं उसमें घुसूँ। मोहम्मद फैज, समझ में आ रहा ना? ठीक है, समझ में आना चाहिए भाई, ऊपर से चीज़ें नहीं जानी चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ तो भी बता देना कि फास्ट बता रहा हूँ, थोड़ा स्लो चलो लेके तो भी बता दूंगा। तो हम लोगों ने फिजिकल एक्सेस तो ले लिया, अब ये तो बात रही फिजिकल एक्सेस लेने की, क्योंकि राउटर मेरे पास पड़ा हुआ है, अब इस राउटर को मैंने एक्सेस तो कर दिया, अब मान के चलो कि मेरे पास ये राउटर मेरे पास नहीं है, ये एक रिमोट लोकेशन पे है, तो मैं उसका एक्सेस कैसे ले सकता हूँ? तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? टेलनेट, टेलनेट ये आपका एप्लीकेशन है जो कि आपका रिमोट एक्सेस लेने के लिए यूज़ होता है किसी भी राउटर एंड स्विच का, ठीक है, स्विच का राउटर का सीएलए एक्सेस लोगे तो हम टेलनेट लोगे। तो अब हम बात करेंगे कि हम लोग कैसे टेलनेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो टेलनेट के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्विटीज है राहुल, टेलनेट को अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे क्या क्या प्री रिक्विटीज, यानी इसके बिना टेलनेट मिनिमम रिक्वायरमेंट, हाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट टू कॉन्फ़िगर टेलनेट। देखो सबसे पहले तो ये चीज़ें पूछते हैं इंटरव्यू में, ये सारी चीज़ें तो मैं इंटरव्यू की, भाई टेलनेट करने के लिए मुझे अगर मैं टेलनेट कॉन्फ़िगर करना तो मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आईपी एड्रेस शुड बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन इंटरफेस, एटलीस्ट एक आईपी एड्रेस तो आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट वन आईपी एड्रेस, कम से कम एक आईपी एड्रेस आपको चाहिए ही चाहिए टेलनेट का एक्सेस करने के लिए। दूसरा, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, आप पासवर्ड के बिना भी टेलनेट का एक्सेस कर सकते हो, राउटर के ऊपर बिना पासवर्ड के भी आप एक्सेस कर सकते हो, तो ये पासवर्ड रिक्वायर्ड है बट इट इज ऑप्शनल, विदाउट पासवर्ड भी आप कर सकते हो, वो भी बताऊंगा कि पासवर्ड के बिना कैसे एक्सेस करते हैं और पासवर्ड लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, ये रिक्वायरमेंट है टेलनेट का, ठीक है।
तो टेलनेट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट टू कॉन्फिगर टेलनेट इट इज एटलीस्ट वन आईपी एड्रेस शुड बी कॉन्फिगर। तो अब हम लोग टेलनेट कॉन्फिगर करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको इसी को ही ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको बिठा देते हैं, ठीक है। हटाओ। तो मैं देखो मैं डायरेक्टली इसके साथ पीसी के साथ कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं इसके साथ स्विच करूँगा। देखो एक्चुअल में राउटर कभी भी डायरेक्टली पीसी के साथ नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था, हमेशा स्विच के साथ कन्फिगर होता है, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं यहाँ पर स्विच भी लूँगा एक, ये जितेंद्र आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है घर की, जो आप सिस्टम यूज़ करते हो प्रैक्टिस के लिए? ये कॉन्फ़िगरेशन तो मेरी वो है मतलब पोर्टेड ही हुआ सिस्टम और 4GB रैम है। बहुत है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस रैम का बोलना था, क्योंकि मैं अभी ना आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर दूंगा GNS3, और GNS3 के ऊपर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। GNS3 के अंदर क्या है कि देखो पैकेट ट्रेसर में मज़ा उतना नहीं आता, क्योंकि पैकेट ट्रेसर आपके लिमिटेड जो है ना कमांड को सपोर्ट करता है, बहुत सारी कमांड्स इसके ऊपर नहीं चलती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी GNS पे फुलफिल कर देते हैं। तो GNS क्या होता है कि आपको एक रियल कंसोल का वो मतलब फील कराता है, कि आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल राउटर के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक चीज़ और, बोलो बोलो तुम बोलो। एक चीज़ और, वो कास्केटिंग क्या होती है? कास्केटिंग? हाँ जी। क्या कास्केटिंग, समझा नहीं। ये बोलते थे ना हमारी कंपनी के अंदर कि कास्केटिंग करते हैं, ऐसे स्विच से स्विच में कास्केटिंग ऐसे कुछ होता है, कुछ कास्ट में नहीं आता था वो। आई डोंट नो कास्केटिंग, मैंने भी नहीं सुना कभी, देख लेते हैं क्या बता है कास्केटिंग। नहीं देखना है किसने, राहुल तुमने सुना है क्या कास्केटिंग क्या होती है? कास्केडिंग भाई, कास्केडिंग तो कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं होता ये डिजाइनर के मुझे। कास्केडिंग, कास्केडिंग इन नेटवर्किंग, रुक जाओ हो सकता है वही नेटवर्किंग में ही आ जाएगा, पता कर देख लेते हैं, मैंने भी पहली बार सुना है भाई। ओके, कास्केडिंग मींस अ टर्म यूज टू व्हेन अ कनेक्टिंग अ राउटर टू अनदर राउटर, कनेक्टिंग टू डन, मतलब जब दो राउटर के साथ में दो राउटर एक राउटर के साथ दूसरा राउटर कनेक्ट करते हो तो उसको कास्केडिंग बोला जाता है भाई, मेरे लिए भी पहली बार सुना है। होता होगा जब ये राउटर है एक और राउटर ले लिया, अब इन दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, दैट्स मीन इट्स कॉल कास्केडिंग, ठीक है, होगा यार। चलो ठीक है, हम टॉपिक पे आते हैं। ये मेरे पास राउटर है, राउटर को मैंने स्विच के साथ कनेक्ट किया, और मैं स्विच के यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ पीसीस ले लेता हूँ, ठीक है। मैं पीसी लेता हूँ 1, 2, 3 एंड एक लैपटॉप ले लेता हूँ, ठीक है। भाई ये प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं, ध्यान रखना प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, और एक एक चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए कल को, एक एक प्रैक्टिकल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी सीखते चले जाओगे डे टू डे, तो आई थिंक कमांड सबको याद होनी चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तभी कमांड याद होंगी, ठीक है। चलो अब मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ, ये मैं यहाँ से लूँगा, ये वाला केबल लूँगा अब मैं, ठीक है, इथरनेट केबल। अब देखो इस पर आता हूँ तो इस पर दो पोर्ट है, गीगाबिट गीगाबिट, और यहाँ पर आते हैं इसमें फास्ट इथरनेट है और लास्ट में गीगाबिट है। तो देखो गलती मत करना फास्ट इथरनेट को गीगाबिट के साथ करके, कभी नहीं करना है, नेवर एवर। गीगाबिट है तो दूसरा एंड भी गीगाबिट होना चाहिए, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। और उसके बाद इसको कनेक्ट करना पैकेट ट्रेसर के ऊपर, पैकेट ट्रेसर के ऊपर किस किस ने अभी तक प्रैक्टिस किया है, राहुल को छोड़ के? मैंने नहीं किया। किया है नहीं किया है समझ में नहीं आया। हाँ किया है, मैंने भी किया है। अभी 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 किया होगा ना, जो तुमने जो मैंने सिखाया वही ना, ठीक है ठीक है, फिर ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो अब हम लोग आईपी देते हैं इन पीसीस के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे जो नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लास फुल आईपी एड्रेस यूज़ नहीं करूँगा, क्लास लेस यूज़ करूँगा, 10.1.1.0/24/24 का नेटवर्क यूज़ करूँगा, ठीक है, ये नेटवर्क मैं यूज़ करूँगा। और जो आईपी दूंगा मैं राउटर के इस इंटरफेस के ऊपर, अब ये इंटरफेस गिग 0x0x0 है, गिग 0x0x0 ये इंटरफेस का, ये वाला इंटरफेस है, ठीक है। और
ये वाला कौन सा है? गिग 0 बाय 1। कौन आया अभी? सुरेंद्र ही भगर भटक रहा होगा या आप ही लोगों में से कोई जा रहा है? चलो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस जो दे रहा हूँ, मैं इस राउटर के इस इंटरफेस पे, इट इज़ 10.1.1.1, ये मैं आईपी एड्रेस इस इंटरफेस पे दे रहा हूँ, ठीक है। और इन पे जो मैं आईपी एड्रेस दूंगा, ये दूंगा मैं 10, 11, 12 और इसका आईपी एड्रेस दूंगा मैं 30। इस तरह से एक प्रैक्टिकल किया करो, ठीक है, पता लगे कि हम लोग प्रैक्टिकल करो। आईपी भी पता होनी चाहिए क्या क्या आप कन्फिगर कर रहे हो यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट में, तो ये ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से और मज़ा आएगा काम करने में, ठीक है। बाई डिफॉल्ट राउटर का इंटरफेस शटडाउन मोड पे होता है, सबको मैंने बताया था। अभी मैंने इसके ऊपर कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो पहले हम लोग पीसी पे ही कर लेते हैं, फिर हम राउटर पे आते हैं, ठीक है। मैं कहाँ गया? हाँ, 10.1.1.10। इसका सबनेट मास्क बाई डिफॉल्ट 255.0.0.0 आ रहा है, बट मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। मैं 255.255.255.0, मैं क्लास लेस आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आईपी एड्रेस तो क्लास ए का है लेकिन सबनेट मास्क क्लास सी का है, तो ये मेरा क्लास लेस आईपी एड्रेस हो गया और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसके पे आ जाओ, इसका आईपी एड्रेस देते हैं हम 10.1.1.11, कॉपी कर लेते हैं इसको, 255.255.255.0, क्लोज। इस पे चलो 192.168, सॉरी 10.1.1.12, 255.255.255.0, 10, 11, 12, इसको 13 कर देते हैं, ठीक है। चलो अब ये आईपी एड्रेस तो मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, अब मैं राउटर पे आया, लेकिन राउटर पे मैं ऐसे एक्सेस नहीं करूँगा जो एक्चुअल में एक्सेस करता हूँ। मैं राउटर को क्या करूँगा, फिजिकली एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो मैं एक लैपटॉप और ले लेता हूँ बेशक, या इसी लैपटॉप को कंसोल केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कंसोल केबल लिया और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने इसके कंसोल पोर्ट पर, ठीक है, कंसोल पोर्ट पर कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर चला गया टर्मिनल पर। अभी मैंने उसके ऊपर पासवर्ड सेट करके रखा हुआ, तो सिस्को कंसोल पे पासवर्ड सेट आई है, ठीक है। इनेबल पे गए, अब कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चले गए, ठीक है। और मैं इसके ऊपर आईपी एड्रेस असाइन करूँगा, तो इंटरफेस गिग 0x0x0 इस पे चले गए। पहले इसको मैं नो शट डाउन कर लेता हूँ, पोर्ट को ऑफ कर लिया और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया मैंने 10.1.1.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। एग्जिट करो। आईपी एड्रेस चेक करने के लिए क्या कमांड होती है, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये वाले आईपी एड्रेस मेरे को दिखा दिया इसने, ठीक है, 10.1.1.1। अब इस आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर तो हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर टेलनेट कॉन्फ़िगर करूंगा। तो टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए अगे अभी मैंने इसके ऊपर टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं किया, ठीक है। तो मैं इस सिस्टम पे आया, PC 0 पे। पहले मैं एक काम करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या मैं राउटर तक पिंग कर पा रहा हूँ। पहले हमेशा जब भी हम किसी चीज़ का एक्सेस लेते हैं तो पहले हम लोग चेक करते हैं क्या वहाँ तक मेरी रिसीविटी है या नहीं है। तो पिंग किया, यस, मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ 10.1.1.1 तक। तो मैं करता हूँ टेलनेट और उसका आईपी एड्रेस एंटर, तो मेरे को यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कनेक्शन टू इसके क्लोज बाय द फॉरेन होस्ट। मतलब वो आपको बता तो रहा कि टेलनेट ओपन है बट आपको एक्सेस करने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी मैंने उसके ऊपर टेलनेट कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है। तो वापस आओ, मैं अभी इसी कंसोल पे ही हूँ मैं भी, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा लाइन VTY वर्चुअल टर्मिनल और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0 to 2, मतलब एट द सेम टाइम तीन लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने ये कमांड दिया 0
स्पेस टू, लेकिन मैं कितने दे सकता हूँ चेक करते हैं, क्वेश्चन मार्क मारो यहाँ पे। यहाँ पे जो दिया हुआ है 0 to 15, मतलब आप यहाँ पे इस राउटर के ऊपर, ये जो मॉडल नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस मॉडल नंबर के ऊपर मैं एट द सेम टाइम 16 लोगों यानी 16 यूजर्स को एट द सेम टाइम मैं लॉगिन करा सकता हूँ, उससे ऊपर मैं नहीं करा सकता। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम यहाँ तक लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी कितना कन्फिगर कर रहा हूँ, 0 to 2, मतलब 3 यूजर को। ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है, तीन तीन यूजर हो गए। हाँ, एंटर किया। अब एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट करूँगा, ठीक है, पासवर्ड सेट करूँगा। और अगर मैं पासवर्ड सेट नहीं भी करता हूँ, मैंने लाइन वीडियो में 0 to 2 कर दिया, मतलब 3 लोग एक्सेस कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पासवर्ड सेट करूँगा। पासवर्ड मैंने नहीं भी दिया, मान के चलो मैं पासवर्ड नहीं भी देता हूँ, मैं डायरेक्ट कर तो लॉगिन कर ले, एंटर कर दिया। तो जैसे मैंने लॉगिन की वर्ड टाइप किया, मतलब लाइन वीडियो आई पे लॉगिन करना है, लेकिन मेरे पास ये मैसेज दे 3, देखो 3 आ रहे क्योंकि 3 लाइन सेट किया मैंने यहाँ पे, और तीनों पे मेरे को एक दे दिया कि लॉगिन डिसेबल्ड है, लॉगिन आपका बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, क्योंकि जब तक अनटिल पासवर्ड इज सेट, जब तक आप पासवर्ड नहीं सेट करोगे आपका लॉगिन डिसेबल रहेगा, आप लॉगिन नहीं कर सकते। लेकिन मेरे को विदाउट पासवर्ड लॉगिन करना है, आई डोंट वॉन्ट टू गिव द पासवर्ड, मुझे पासवर्ड नहीं देना, बट मैं विदाउट पासवर्ड मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कमांड टाइप करूँगा, नो लॉगिन। लेकिन उससे पहले मैं वापस आता हूँ बाहर, मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया, देखो अभी मैं कौन से मोड पे हूँ, कॉन्फिगर्ड मोड पे हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइन VTY 0 to 2 और एंटर किया, तो अब देखो कि मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, कॉन्फिगर्ड मोड के अंदर, लाइन के अंदर आ चुका हूँ मैं अब। और यहां पे मैं टाइप करूंगा नो लॉगिन, देखो नो लॉगिन कीवर्ड आपको वर्चुअल टर्मिनल के अंदर आने के बाद, यानी लाइन के अंदर आने के बाद ही करना पड़ेगा। अगर मैं ये कीवर्ड, ये कमांड मैं यहां पे टाइप करता हूं नो लॉगिन, इनकम्प्लीट कमांड, क्योंकि ये कमांड यहां पे एक्सेप्टेबल ही नहीं है, जो कमांड जिस लाइन पे चलेगी वो वहीं चल सकती है। तो मैं यहां पे फिर से आऊंगा लाइन VTY 0 to 2 और यहां पे टाइप करूंगा नो लॉगिन, नो लॉगिन। जैसे मैं यहां पे नो लॉगिन टाइप करूंगा, तो अब मतलब ये लॉगिन के लिए नहीं पूछेगा, डायरेक्ट एक्सेस दे देगा आपको। मतलब क्या है कि यहां पे नो लॉगिन कमांड का मतलब ये हुआ कि मैं अब विदाउट लॉगिन राउटर को एक्सेस कर सकता हूँ। लॉगिन के लिए मुझे पासवर्ड चाहिए ही होगा, बट विदाउट लॉगिन मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, तो मैं इसको नो लॉगिन कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे जो प्री रिक्विजिट्स बताया कि एटलीस्ट 1 IP एड्रेस चाहिए, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, इट इज ऑप्शनल। मैंने अभी ऑप्शनल क्यों दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे पासवर्ड मैंने सेट नहीं किया, लेकिन एक चीज की रिक्वायरमेंट और है यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज की रिक्वायरमेंट और है, क्या है वो भी लिख लेते हैं, इनेबल पासवर्ड शुड बी कन्फिगर्ड, आपका इनेबल पासवर्ड भी सेट होना चाहिए। अगर आपने इनेबल पासवर्ड सेट नहीं किया है तो आप राउटर का एक्सेस नहीं ले सकते। चेक कर लेते हैं पहले ये चीज, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, आओ इस पे। अब मैंने यहाँ पे टेलनेट दे दिया है, कन्फिगर कर दिया है, चलो इस पे देखते हैं मैंने क्या किया है यहाँ पे, वो मैं समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लाइन VTY 0 to 2 पे गया और मैंने यहाँ पे टाइप किया नो लॉगिन, मतलब आप मुझे कोई लॉगिन का पासवर्ड नहीं सेट करना है, तो मैंने यहाँ पे नो लॉगिन कर दिया, मतलब विदाउट लॉगिन मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये मैंने कंसोल एक्सेस ले रखा दोस्तों, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब मैं कमांड प्रोम पे आता हूँ, मैं ये कमांड प्रोम पे आया राउटर के, जैसे CMD मोड पे जाते हैं, तो यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा टेलनेट और उसका IP एड्रेस और एक्सेस, मेरे पास राउटर का एक्सेस आ गया, देख रहे हो PC से बैठे बैठे राउटर का एक्सेस आ गया। लेकिन राउटर कौन से मोड पे, अभी यूजर एग्जिस्ट मोड पे है। अब मैं यहाँ पे इनेबल टाइप करता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो लिखा आ रहा है नो पासवर्ड सेट। जब तक आप इनेबल का पासवर्ड सेट नहीं करोगे आप प्रिविलेज मोड पे नहीं जा सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से राउटर का कंसोल एक्सेस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं विदाउट कंसोल तो मैं कर ही नहीं सकता ये चीज़। फिर राउटर के कंसोल पे आया मैं, ये टर्मिनल है देखो, दो ऑप्शन है, ये टर्मिनल और ये कमांड प्रॉम्प्ट, दो अलग अलग चीज़ हैं।
टर्मिनल का मतलब है कि आप कोई एप्लीकेशन के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हो। कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब जो आपके सिस्टम पे कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ये वाला कमांड प्रॉम्प्ट। और इस टर्मिनल का मतलब है, ये जो टर्मिनल का मतलब है, यानी कोई थर्ड पार्टी पुट्टी वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, माइंड सेट कर लेना, ये रियल टाइम बता रहा हूँ मैं। अगर मुझे राउटर का कंसोल एक्सेस करना है, ये टेलनेट भी मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन एट द भाई क्या हो गया ये तो, लेकिन एट द सेम टाइम मैं तो कंसोल एक्सेस करूँगा तो क्या यूज़ करूँगा मैं, लाइन वी टी वाई। लेकिन मैं अगर टर्मिनल एक्सेस करने जा रहा हूँ, राउटर का कंसोल एक्सेस करने जा रहा हूँ, तो मुझे पुट्टी चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट्टी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे ये लिया और ओके किया। और मैं यहाँ पे इनेबल पासवर्ड सेट करने के लिए मैं लाइन कीबोर्ड से बाहर आऊँगा, और मैं कन्फिग मोड पे आने के बाद यहाँ पे कमांड टाइप करूँगा इनेबल पासवर्ड, और पासवर्ड मैंने इनेबल का इनेबल पासवर्ड रख दिया, यानी पासवर्ड भी मैंने इनेबल ही रख दिया, और एंटर कर दिया, ठीक है। इसको क्लोज कर दो, लैपटॉप की बंद कर दो, ठीक है। अब मैंने कंसोल पोर्ट यहाँ से डिलीट कर दिया हूँ, मेरा कंसोल पोर्ट का काम खत्म हो गया, मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, ठीक है, मतलब लाइन टेलनेट कन्फिगर कर दिया, और मैंने विदाउट पासवर्ड के लिए अप्लाई कर दिया, और इनेबल पासवर्ड भी सेट कर दिया, मेरा कंसोल का काम खत्म। अब मैं इस राउटर को फिजिकली एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, अब मैं मान के चलो मेरा ये राउटर है 5th फ्लोर पे, ये मेरा 5th फ्लोर पे है, और आई एम सिटिंग ऑन माई ग्राउंड फ्लोर, और मैं यहाँ पे कहाँ हूँ, मैं ये ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हूँ, मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे, ये मेरा पूरा ग्राउंड फ्लोर है, ये मेरा वह तेरा बलाओ, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं इस पीसी पे कहीं के भी आता हूँ, मैं राउटर पे पीसी लैपटॉप पे चलता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता हूँ, और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं इसको पहले एग्जिट कर लेता हूँ, फिर से मैं फिर से टेलनेट टाइप करूँगा, टेलनेट, और टाइप करता हूँ 10.1.1.1, एक्सेस आ गया विदाउट पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड क्या है इनेबल, मेरे राउटर का एक्सेस आ गया। पीसी इस वाले लैपटॉप ने एक्सेस कर लिया, अब पीसी 0 पे चलते हैं, इसको भी पूछते हैं एक्सेस करने के लिए, देखते हैं ये भी एक्सेस कर पा रहा नहीं कर पा रहा है। टेलनेट 10.1.1.1, इसके पास भी एक्सेस आ गया, इनेबल इनेबल पासवर्ड, इसके पास भी एक्सेस आ गया, इसके पास चलते हैं, टेलनेट 10.1.1.1 इनेबल, स्पेलिंग गलत है, इनेबल, इसके पास भी एक्सेस आ गया, यानी अब तीनों लोगों ने एक्सेस कर लिया, इसने भी एक्सेस कर लिया है, इसने भी एक्सेस कर लिया है, इसने भी एक्सेस कर लिया है, और मैंने राउटर को बता रखा है 0 to 2, मतलब तीन लोग आपको एक्सेस कर सकते हैं। अभी चौथा बंदा एक्सेस करने जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। इस पे चलते हैं, टर्मिनल पे आते हैं, और टेलनेट करते हैं, और 10.1.1.1 एरर दे दिया इसने, क्लोज फॉरेन होस्ट, क्यों, क्योंकि अभी एट द सेम टाइम तीन ही बंदे लॉग इन कर सकते हैं, अभी ये लॉग इन कितनी भी कोशिश कर ले ये लॉग इन नहीं कर सकता। अब मैं क्या करता हूँ, एक बंदे को यहाँ से एग्जिट करता हूँ, इस पर चलता हूँ, और मैंने क्या किया, एग्जिट बाहर आ गया मैं, ठीक है, राउटर से बाहर आ गया। अब चेक करते हैं क्या ये एक्सेस कर पा रहा है, यस कर लिया एक्सेस। तो देख लिया आपने लाइन वीटीवाई 0 to 2 का मतलब, समझ में आया होगा सबको अभी, एवरीवन, ठीक है, ठीक है। अब हाँ, अब क्या है कि मेरे पास ये राउटर है, मैं मान के चलो कि मैं राउटर का डायरेक्ट कंसोल ले रहा हूँ, ठीक है, इसके कमांड से मैंने राउटर पे गया, राउटर के यहाँ पे सीएलआई में डायरेक्ट अब एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कंसोल से नहीं एक्सेस कर रहा, नॉर्मली एक्सेस कर रहा हूँ। अब मैं राउटर पे तो आ चुका हूँ, अब मैं एक यहाँ पे डिसएडवांटेज देता हूँ मैं विदाउट पासवर्ड का, तो विदाउट पासवर्ड तो हम नहीं दे सकते, तो मैं भी पता है। अब एक ये यूज़र है,
एक यूज़र आया, एक ये यूज़र आया, ये सेल्स का बंदा है, ये वन में सेल्स का बंदा है, इसने इसको भी स्विच के साथ एक्सेस दे दिया मैंने, इसके ऊपर भी मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया, इसका आईपी एड्रेस दे दिया मान के चलो 10.1.1.15 255.255.255.0। मैंने इसको आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है। अब ये सेल्स का बंदा है, ये सेल्स वाला बंदा है, सेल्स पीसी, ये सेल्स का पीसी है। अब इस बंदे को भी थोड़ा टेक्निकली नॉलेज था, इसने क्या किया, टेलनेट लिखा, अच्छा अभी तो कोई कि सब लोग लॉगिन है, मैं एग्जिट कर लेता हूँ, मान लो मेरा काम खत्म हो गया, बाहर आ गया, इसका भी काम खत्म हो गया, ये भी बाहर आ गया, सारे बंद कर देते हैं, इसका भी बंद ही कर देते हैं, ठीक है, ये भी और ये भी बंद कर देते हैं, चलिए तो बंद है पहले से, ये एक्सेस करके बैठा होगा, इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने अपना काम की ख़त्म, ये सेल्स वाला बंदा थोड़ा सा इसको टेक्निकली थोड़ा सा साउंड था, नॉलेज था इसको टेक्निकली, कि भाई इसको पता है कि टेलनेट वगैरह कैसे लिया जाता है इसको, और ऑब्वियसली तुमने इसके राउटर के इसके ऊपर इसके गेटवे के ऊपर, मतलब इसमें अपने गेटवे भी कन्फिगर करके रखा होगा, मैंने वैसे नहीं किया था, 1.1 उसको पता है कि 1.1 आईपी है गेटवे की, ठीक है भाई। इसने क्या किया, अपना कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस किया, लो एक्सेस कर लिया इसने भी राउटर को, तो भाई सेल्स का बंदा क्यों एक्सेस कर रहा है, इट नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है कि विदाउट पासवर्ड मैं नहीं दे सकता भाई, विदाउट पासवर्ड नॉट इज इट नॉट अ सिक्योर, और ये कभी भी यूज नहीं करते हम लोग, कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो हमें क्या देना होता है, पासवर्ड देना होता है, हमें क्या देना होता है, पासवर्ड देना होता है। तो अब हम पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, तो राउटर के ऊपर आओ, देखो अभी मैं अगर राउटर को एक्सेस करूंगा तो इट विल नॉट आस्क यू द पासवर्ड, इट इज नॉट आस्किंग द पासवर्ड, ये आपका पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो अब मैं राउटर पे आया, कॉन्फ़िगर मोड पे चला गया, लाइन VTY 022 कर दिया, मैंने वहाँ पे कमांड टाइप किया था नो लॉगिन, बट मैं अब टाइप करूँगा लॉगिन, बट वही पासवर्ड सेट नहीं है, तो करो पासवर्ड सेट। पासवर्ड मैंने पासवर्ड दे दिया, इसका पासवर्ड दे दिया मैंने 1234, मैंने पासवर्ड क्या सेट किया है 1234, क्लोज कर लो। अब देखो जब भी मैं टेलनेट करूँगा ना, तो वो मेरे से पहले एक्सेस दे रहा था डायरेक्टली, अब एक्सेस नहीं देगा, या मैं पैसों को पूछ रहा पासवर्ड डालो भाई, ये मैंने दिया 1234, एंटर की एक्सेस आ गया, इनेबल तो करना ही पड़ेगा, इनेबल का पासवर्ड इनेबल ही है, एक्सेस मिल गया। मतलब अब मैं विदाउट पासवर्ड एक्सेस नहीं कर सकता। अभी सेल्स वाले बंदे को पता था कि भाई चलो भाई आउट टाइप कर लेते हैं टेलनेट, अभी पासवर्ड के लिए अटक गया। तो यहाँ पे आपने उसको लिमिटेशन डाल दिया कि भाई आप विदाउट पासवर्ड आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है इस पासवर्ड कीवर्ड का, ये राहुल बताएगा क्यों है। क्या भैया, मैं अगर यहाँ पे पासवर्ड, जैसे अब मैं इसको पासवर्ड से एक्सेस कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मेरे पास इस पीस, एक सेकेंड इसको मैं एग्जिट करता हूँ, मैं टेलनेट किया इसको और मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, ये सिर्फ क्या पूछ रहा है, ओनली पासवर्ड पूछ रहा है। मैंने क्या टाइप किया 1234, एक्सेस कर लिया और इस पे गया, सॉरी टेलनेट 10.1.1.1 1234 एक्सेस कर लिया, बट ये जो ओनली जो पासवर्ड पूछ रहा है, ये पासवर्ड से एक्सेस कर रहा हूँ, ये सिक्योर है एक तरह से, कि एक अनदर जो डिपार्टमेंट का बंदा वो राउटर को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन इट इज स्टिल नॉट सिक्योर, क्यों, ये अभी भी सिक्योर नहीं है। अगर मैं पासवर्ड सेट करता हूँ, इफ आई सेट, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ, इफ आई सेट पासवर्ड ऑन टेलनेट बट इट इज स्टिल नॉट सिक्योर, वाई, पासवर्ड है बट फिर भी सिक्योर नहीं है, क्यों नहीं है, बताओ राहुल।
प्लेन टेक है, वो अगर उसने बैकअप में वो चला रखा है यार सर, नहीं 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 बैकअप तो वो तो चला रखा टेलनेट, वो तो टेलनेट का डिसएडवांटेज है। मैं यहाँ पे टेलनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पासवर्ड, क्योंकि मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने सीसी ने किया हुआ, इसलिए पूछ रहा था कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे पासवर्ड से भी सेट कर दे रहा हूँ तो भी ये जी। सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, चलो देख लो। देखो पासवर्ड तो सिक्योर होकर दिया क्योंकि भाई ये सेल्स वाला बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, ये यहाँ तक मैं सिक्योर हूँ। लेकिन स्टिल अब मेरे कंपनी के अंदर ये पांच यूज़र है, चार यूज़र हैं, एक दो सॉरी मेरे पास एक यूज़र ये है, एक ये है, एक ये है, अब एक ये है, ठीक है। अब आप देखना कि एक छोटा सा डिसएडवांटेज, देखो टेलनेट में बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूँ, बाकी तो सब लोग क्या करते हैं कोई भी यूट्यूब में उठा के देख लेना वीडियो, टेलनेट कन्फिगर करने के लाइन VTY पे जा, फलाना कमांड डालो, खत्म, लाइन खत्म, आपका टेलनेट कन्फिगर सिर्फ उस चीज़ को लोग रट लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि ये चीज़ देने से क्या नुकसान है, ये चीज़ देने से क्या फ़ायदा है, सारी चीज़ें इन डिटेल में बता रहा हूँ मैं। और इतना लंबा टेलनेट का वीडियो कहीं पे भी नहीं है, मेरा तो 1 घंटे से ऊपर का वीडियो खींच जाएगा सिर्फ टेलनेट के ऊपर। और यूट्यूब पे देखना 5 मिनट, 6 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट का ही वीडियो है, इन डिटेल में कोई भी नहीं। ये एक्चुअल में देखो सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव, जब हम लोग सिक्योरिटी पढ़ते हैं ना तो ये सारी इन डिटेल में सिखाया जाता है, बट मैं तुम लोग को इतना मतलब एडवांस कर दूंगा कि तुम लोग को पता लग जाएगा कि हमें इतनी चीज़ें आती हैं जो कि एक नॉर्मल सीसी आने वाले बंदे को भी नहीं आती होगी। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सी चीज़ देखनी है, क्या देखो ये मैंने राउटर का एक्सेस लिया दोस्त, ठीक है ये मैंने राउटर का एक्सेस लिया, बट मैं राउटर का एक्सेस लेने से पहले मैं PC1 पे चलता हूँ, ये PC ये 1 है, ठीक है ये PC2, मान के चलो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ये राहुल है, ये राहुल का PC है, ये फैज़ का PC है, ये जितेंद्र का है, और ये लैपटॉप सुरेंद्र है, सुरेंद्र थोड़ा सा पैसे वाला बंदा, अपने घर से लैपटॉप लेके आया है, ठीक है। तो ये PC मान के चलो राहुल का है, ये फैज का है, ये है, ठीक है। अब क्या किया, PC पे बैठा हुआ है राहुल, अपने PC पे बैठा हुआ है, राहुल ने एक्सेप्ट किया, टेलनेट किया राहुल ने, और IP दिया 1 2 3 4, एक्सेस आ गया, ठीक है। फैज पे गया, जितेंद्र आया, अभी मेरे से सिर्फ ये पासवर्ड सॉरी, अच्छा किसी बंदे ने एक्सेस और करके रखा होगा, कोई बंदा तो है जो एक्सेस करके बैठा है, एक राहुल, दो फैज, तीन, ऑब्वियसली चौथा बंदा नहीं लगा सकता, छोड़ो। अभी तीन बंदों ने लॉगिन किया हुआ है, जितन सुरेंद्र ने भी, राहुल ने अपने PC से लॉगिन किया, फैज ने अपने PC से, ये लोग अपने PC में बैठे हैं। अब राउटर पे मैं चला गया, मान के चलो कि मैं एक सीनियर पर्सन है, एक बंदा आया और सर्वर रूम में चला गया, उस सर्वर रूम पे उसने क्या किया, इसको कंसोल पोर्ट से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। कंसोल का पासवर्ड मैं भूल ना जाऊं भाई, ध्यान नहीं, देख लेते हैं एक बार, कंसोल से भी उसको एक्सेस करता, तो भाई मैंने यहाँ क्या किया, दो बंदों ने ले, चलो एक काम करता हूँ मैं, इतना इतना इन डेप्थ में नहीं जाता हूँ, ये फैज़ अपने सिस्टम पे बैठ के काम कर रहा है, ठीक है। अरे सॉरी अभी ये साला ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा, छोड़ो उसको वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। ये डोमेन सर्वर जो मैंने 1 2 3 4 5 टाइप किया ना, इसको ये IP में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, छोड़ो उसको, वेट करो अभी बताता हूँ क्या चीज़ है।
अभी जैसे ही मैं टेलनेट एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे से सिर्फ पासवर्ड पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा, और मैं पासवर्ड दे के मैं एक्सेस कर ले रहा हूँ। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है, मैं अभी वही बताने जा रहा हूँ कि 30 सेकेंड टाइम लेगा। शिफ्ट सी दो नहीं ले रहा ना वो, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं ले रहा, तो मैं कर ही देता। रिमोट एक्सेस लिया हुआ ना, फिजिकल एक्सेस होता तो ले लेता हूँ, कर देता। इसका तरीका है ठीक करने का, मैं भी कर देता हूँ। वो मैंने आप लोगों को बताया भी था, नो आईपी डोमेन लुकअप करते हैं इसके लिए। ये एक्सेस कर लिया ठीक है, मैं फैज के पीसी पे बैठा हूँ ठीक है, फैज पीसी पे बैठा हूँ। फैज देखना चाहता है कि इस राउटर का एक्सेस किस किस ने लिया हुआ है, तो कमांड होती है शो, अभी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, चलो शो यूजर्स, एंटर किया तो देखो यहाँ पे, बेटा गेट बंद करो। जैसे मैंने शो यूजर्स किया तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, इसको छोड़ दो, ये कंसोल वाला है, मैं VTY की बात कर रहा हूँ। VTY का मतलब 3 लोगों ने इसको एक्सेस किया है, वर्चुअल 0, वर्चुअल 1, वर्चुअल 2, यानी टोटल 3 थे ना हमारे पास 0 से लेकर 2 तक। तो एक पे 0 पे लॉगिन किया, एक ने 1 पे किया, एक पे 2 पे किया है। अब मुझे यहाँ पे बता रहा है कि किसने लॉगिन किया हुआ है, आइडियल का मतलब अभी उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, आइडियल छोड़ा हुआ है, मतलब आपने एक्सेस लिया बट आप उसके ऊपर कोई भी कन्फिग्रेशन नहीं कर रहे हो, इसलिए ये स्टेटस क्या दिखा रहा है, आइडल। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बताया, अब 10 डॉट ये बता रहा है कि जो पीसी ये जो एक्सेस किया हुआ है, 10.1.1.10 वाले पीसी ने एक्सेस किया है, इसको 10.1.1.11 वाले पीसी ने, और इसको 12 डॉट, यानी 10 ने, 11 ने, 12 ने एक्सेस किया हुआ, यही बता रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये 10.1.11 पे कौन बैठा है, मुझे नहीं पता कि ये 11 वाले पे कौन बैठा है, ये नहीं पता 10 पे कौन बैठा, 12 पे। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि मैं किसी यूजर को ट्रैक नहीं कर सकता। अब हो सकता है कि भाई फैज के मन में कुछ ऐसा हो कि भाई मैं तो राहुल को फंसाना चाहता हूँ, वो क्या करेगा, राहुल के पीसी से लॉगिन करेगा, अपने आप को लॉगिन कराएगा और यहाँ से हिट करेगा और कुछ गलत कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म कर देगा राउटर के साथ। अब जब सिक्योरिटी वाले, अब नेटवर्क के ऊपर नेटवर्क सिक्योरिटी वाले बंदे भी बैठे होते हैं, जो जो प्रॉपरली नेटवर्क को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसने मॉनिटर किया कि भाई किसी ने ना राउटर के ऊपर मिस कन्फिगेशन कर दिया है, तो वो चेक करेगा, वो देखेगा भाई किसी बंदे ने 10.1.1.11 के पीसी से हिट मार के उसने कन्फिगेशन किया है। बंदा आया उस पे, अभी राहुल बैठा हुआ है और राहुल को पकड़ लिया, भाई तूने क्या किया, राहुल ने बोला तो भाई मैंने कुछ ही नहीं किया है, भाई तुम्हारा एक्सेस का मतलब उस पे बताया कि भाई राउटर में ये बता रखा है कि 10.1.1.11 ने कुछ कन्फिगेशन किया है, भाई तुम्हारे पीसी का नंबर है, तुम्हारे पीसी का आईपी है। तो इसके अब हो सकता है कि भाई इस पीसी को तो 100 लोग 10 लोग लॉगिन करते होंगे, तो मैं कैसे ट्रैक कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज है पासवर्ड कमांड का, अगर मैं पासवर्ड सेट करता हूँ तो वहां पे मुझे किसी यूजर को मैं ट्रैक नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मैं सिस्टम ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरे पास हिट कौन से आईपी से आ रहा है, मतलब किस आईपी ने यानी किस पीसी ने मेरे को एक्सेस करके मेरे राउटर का कंसोल लेके बैठा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि उस पीसी के ऊपर 4 लोग बैठते हो और मैं भाई पकड़ने तो जाऊंगा नहीं। भाई फैज के मन में कुछ ऐसा था कि भाई कि राहुल से मेरी बनती नहीं है, और उसने क्या किया कि फैज ने क्या किया, राहुल के पीसी में लॉगिन किया और इससे राउटर को एक्सेस किया और भाई उसके अंदर आईपी एड्रेस चेंज करके बैठ गया और वापस लॉग आउट करके भाग गया और वापस अपने सीसी पे बैठ गया। अब राहुल था, राहुल इस तरह ब्रेक पे गया हुआ था, राहुल ने अपना पीसी लॉक करना भूल गया, उसने फैज ने ये काम करके चला गया। अब राहुल वापस आया और अपना लॉग इन किया, फिर नॉर्मल काम कर रहा है, भाई नेटवर्क सिक्योरिटी वाला बंदा आया, राहुल को पकड़ लिया, भाई क्या है, क्या कन्फिग्रेशन, तुमने आईपी एड्रेस क्यों उठाया, भाई मैंने तो कुछ हटाया नहीं, भाई तुम्हारे आईपी से हिट गया है और तुम्हारे आईपी से बता रहा है किसने कन्फिगर किया है। तो इसके वजह से हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते, किसी यूजर को हम ट्रैक नहीं कर सकते, तो ये सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से ये चीज गलत है, तो कभी हम पासवर्ड सेट नहीं करते। तो अगर मान के चलो कुछ ऐसा हो कि जब भी मैं इस पीसी से इस राउटर को एक्सेस करूं तो मेरे से वो क्या मांगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगे, तो यूजर नेम अगर पासवर्ड मांगेगा तो उस केस में क्या होगा कि मैं ट्रैक कर सकता हूं कि किस यूजर नेम ने किया है। अब भाई यूजर नेम तो ऑब्वियसली यार अलग अलग होगा, राहुल है, राहुल का यूजर नेम राहुल डॉट कुमार है, फैज का फैज डॉट शेख है, सुरेंद्र का सुरेंद्र डॉट कुमार है, तो उसमें क्या हम यूजर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं राउटर पे भी अगर आ जाता हूँ और राउटर पे आने के बाद भी मैं यहाँ पे सॉरी
शो यूजर्स चेक करने के लिए। तो देखो एक ने लॉग आउट हो गया, चलो कोई बात नहीं, दो बंदों ने लॉग इन किया हुआ है, एक 10.1.1.11 से और 10.1.1.12 से, बट मुझे ये नहीं पता कि कौन बैठा है इसके ऊपर लॉग इन करके। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सेट करूँगा पासवर्ड और विद यूज़र नेम। तो कैसे करूँगा, ये मैं राउटर का कंसोल पे हूँ, ध्यान रखना। मैं कॉन्फ़िगर मोड पे चला गया, लाइन VTY 0 to 2 किया, और यहाँ पे लिखूंगा मैं लॉग इन लोकल, ये कीवर्ड टाइप करूंगा, लोकल मतलब लोकल यूजर नेम एंड पासवर्ड से, जो कि राउटर के ऊपर मैं बनाऊंगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर मैं लॉग इन कर रहा हूँ कैसे, लोकली करा रहा हूँ, लोकली का मतलब लोकल डेटाबेस में जो यूजर नेम पासवर्ड होगा, राउटर के पास जो यूजर नेम पासवर्ड सेट करूंगा उस ID पासवर्ड से लॉग इन करें। तो इसलिए मैं लॉग इन लोकल, पहले मैं लॉग इन टाइप कर रहा था और एंटर मार दे रहा था, लेकिन मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, लॉग इन बट लोकली। लोकली का मतलब कि इट विल आस्क द यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब भी मैं लॉग इन लोकल कीवर्ड टाइप करूंगा, इसका मतलब है इफ आई एंटर दिस कमांड, तो इट मीन्स इट विल आस्क यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर मैं लॉग इन लोकल देता हूँ, इफ आई देन अगर मैं देता हूँ नो लॉग इन, ये कीवर्ड टाइप करता हूँ, इससे मतलब क्या होगा, इट विल डिसेबल द लॉग इन, मीन्स राउटर नेवर आस्क पासवर्ड। राउटर कभी भी पासवर्ड एक्सेस, पासवर्ड कभी भी नहीं पूछेगा। अगर मैं लॉग, स्पेलिंग गलत है, लॉग इन, लॉग इन लोकल, हाँ, देखो पासवर्ड तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड छोड़ो, मैं ये दो कमांड का मतलब बता रहा हूँ। अरे वो ही तो, चलो यार इतना तो ठीक है, कोई नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो लॉग इन लोकल का मतलब है इट विल आस्क यूजर नेम एंड पासवर्ड। इफ आई यूज नो लॉग इन, दैट मीन इट विल डिसेबल द लॉग इन, मीन्स राउटर नेवर आस्क फॉर द पासवर्ड, वो पासवर्ड के लिए कभी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट लॉग इन करने के लिए दे देगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको करते जा रहे हैं, चलो करते हैं फिर हम लोग कॉन्फ़िगर। मैं पहले यहाँ से एग्जिट कर, यहाँ से एग्जिट है, और इसको भी एग्जिट कर लेते हैं। कुछ एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है, देखो मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा ना, अभी यहाँ पे एक्सेस है, अभी तो एक्सेस है, यहाँ पे भी एग्जिट कर लिया, मतलब अब राउटर को मैंने फ्री कर दिया, ठीक है। मैं राउटर को डायरेक्ट एक्सेस करता हूँ, CLI पे जाता हूँ, और मैंने यहाँ पे टाइप किया है लॉग इन लोकल, लेकिन लॉग इन लोकल कर दिया। अब चलो एक्सेस करके देखते हैं राउटर को, पहले ये सिर्फ पासवर्ड मांग रहा था, अब ये क्या बोल रहा है, यूजर नेम। बट अभी तक मैंने राउटर के ऊपर कोई यूजर बनाया ही नहीं है, तो मेरे पास जब बनाया ही नहीं, तब तो तक ये कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कोई यूजर नेम, तो मैं अब राउटर के ऊपर यूजर नेम बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे तीन यूजर बना रहा हूँ, कॉन्फ़िगर मोड पे ही जाऊंगा, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िग मोड पे रह के ये कमांड चलाऊंगा, ठीक है। कैसे, यूजर नेम, यूजर नेम दे दिया मैंने फैज, और पासवर्ड दे दिया फैज 123, ठीक है। मैंने देखो कीबोर्ड से जो अप वाला कीबोर्ड, ये अप एरो होता है ना, उसको दबाया मैंने, वापस से कमांड टाइप हो गया, और मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाल दिया राहुल, एंड देन पासवर्ड इज राहुल 123, और एक और ले लेते हैं JEETENDER, और पासवर्ड इज जितेंद्र 123। मैंने ये यूजर नेम पासवर्ड सेट कर दिया। अब मैंने लॉग इन किया,
अब यूजर ने पूछ रहा है, मैंने डाला फैज़, ये क्या आ रहा भाई? वो तो ठीक है, मैं उससे नहीं कह रहा, मैं सिमुलेशन है ना थोड़ा सा दिक्कत करता, रुक जाओ मिनट। यूजर नेम RAHUL123, इनवैलिड लॉगिन, रुक जाओ मिनट, राउटर के ऊपर मुझे कुछ कंफिगर करना पड़ेगा। डू शो रन, रनिंग कन्फिग्रेशन चेक कर लेते हैं। नो पासवर्ड, ठीक है एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे चेक करना है, ठीक है ये हटाओ। यूज़र नेम फैज़ जितेंद्र, लाइन VTY024, नो लॉगिन कर देता पहले तो हम, फिर लॉगिन लोकल, अब चेक कर लेते हैं। रुक जाओ यार, ये ऐसे कई बार ये प्रॉब्लम करते हैं, सिमुलेशन की दिक्कत करता है ये, एप्लीकेशन की प्रॉब्लम करता है कई बार, रुक जाओ। राउटर को रीलोड कर लेता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, रिलोड विलोड, अभी तो टेंशन मत लो इस चीज़ के लिए, सब। पासवर्ड क्या था? सिस्को, शो रन, यहाँ पे पास, अच्छा ये तो सेट हो गया, रुक जाओ। एक काम करते हैं, इस राउटर को हटा देते हैं, ये दूसरा राउटर लेते हैं। ये एक्चुअल में ना कि पैकेट ट्रेसर है, कई बार इसमें दिक्कत कर देता है, सम टाइम, हमेशा नहीं, इसलिए पैकेट ट्रेसर को थोड़ा सा ना मैं कम यूज़ करता हूँ। सॉरी, गीगाबिट लेते हैं। बै अच्छा, गीगाबिट 0/1 एंड गीगाबिट 0/0। राउटर को एक्सेस करते हैं, राउटर नो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरफेस गिग 0/0/0 पे मैंने नो शट किया, आईपी एड्रेस टाइप किया 10.1.1.1 255.255.255.0, ये पासवर्ड, ये मैंने आईपी सेट किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, लाइन VTY024 लॉग इन लोकल, यूजर नेम फैज, पासवर्ड Faz@123, यूजर नेम राहुल, पासवर्ड Rahul@123, सॉरी यूजर नेम जितेंद्र, पासवर्ड इज Jitender@123। अब चेक कर लेते हैं, तो टेलनेट 10.1.1.1, अरे आईपी एड्रेस,
पिंग करके चेक कर लेते पहले, पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पिंग देखो ये रियल टाइम ट्रबल शूटिंग है कि कई बार हमको एक्सेस नहीं आता, तो पहले मैं पिंग करके चेक करूँ क्या मेरे वहाँ तक रिचेबिलिटी है ही नहीं है, पहले ये भी चेक करूँ। अब देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, मतलब मेरे को राउटर से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। मैं पैकेट तो भेज रहा हूँ बट सामने वाला मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। चेक करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत कन्फिग्रेशन मैंने कर दिया हो। तो सबसे पहले मैं आईपी एड्रेस चेक करूँगा अपने राउटर की, तो चेक करने के लिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 10.1.1.1.1 है, तो इसका सबनेट मास्क क्या है वो चेक करना है मुझे। तो शो रनिंग इंटरफेस इंटरफेस गिग 0x0x0, इंटरफेस गिग 0x0, नो शट, शट करके नो शट। अब चेक करते पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले पिंग होना जरूरी है, जब तक पिंग नहीं होगा साला क्या प्रॉब्लम हो गया भाई इसके अंदर। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ सही तो है, आईपी एड्रेस कहीं कॉन्फ़िगर करी हुई है। हाँ इंटरफेस गेट 0x0x0, मैं आईपी एड्रेस को नो आईपी एड्रेस कर देता हूँ तो ये आईपी एड्रेस डिलीट हो जाएगा। ठीक है डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, इसको शट भी कर लेते हैं। इंटरफेस गेट 0x0x0 शट कर लेते हैं। ये देखो एक्चुअली में इसकी प्रॉब्लम नहीं है, कन्फ्यूजन हम लोग सब सही कर रहे हैं, तो कई बार ये जो पैकेट ट्रेसर वाला एप्लीकेशन है ये कई बार प्रॉब्लम करता है। तो फिर से हम चलते हैं इंटरफेस गिग 0x0x0 नो शट आईपी एड्रेस इज 10.1.1.1 255.255.255.0 डू पिंग, किसी एक आईपी से पिंग करते हैं। ये एसी की दिक्कत है भाई, इस एप्लीकेशन की दिक्कत हो गई, रुक जाओ एक मिनट, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, रुक जाओ एक मिनट। हाँ ठीक है आ गया, खैर कोई बात नहीं, मैंने दोबारा आईपी एड्रेस हटा के दोबारा कॉन्फ़िगर किया, कुछ नहीं किया है। ठीक है अब पिंग करो, पिंग हो रहा है। ठीक है तो अब करते हैं टेलनेट 10.1.1.1। अब ये यूज़र नेम मांग रहा है और फैज़ फैज़ एट 123 एक्सेस हो गया। अच्छा क्या FAIZ एट 123 आ गया एक्सेस। इनेबल इनेबल पासवर्ड सेट नहीं है, इसको करो इनेबल पासवर्ड सेट, इनेबल पासवर्ड इनेबल ही कर देता हूँ पासवर्ड। तो ये एक्सेस कर लिया कोई दिक्कत नहीं, ये फैज़ ने एक्सेस किया ना। ठीक है अब मैं इस पे आया, मैं राहुल पे, अब मैं इस पे राहुल को एक्सेस करता हूँ, फिर टेलनेट करता हूँ। यहाँ पे टेलनेट इज सब लोग है ना भाई, ये मैं बोलता जा रहा हूँ। ठीक है 10.1.1.1 इस पे भी यूजर नेम पूछ रहा है राहुल, राहुल एट 123 एक्सेस आ गया राहुल का भी। इधर से जितेंद्र का कर लेते हैं, मैंने अलग अलग पीसी पे लॉगिन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। टेलनेट इट्स 10.1.1.1 JEETENDER JEETENDER एट 123 सॉरी JEETENDER एट 123 एक्सेस आ गया। ठीक है अब तीन एक्सेस कर चुका हूँ मैं, अब मुझे देखना है राउटर पे चलते हैं। पहले मेरे को सिर्फ आईपी एड्रेस बता रहा था कि किस आईपी एड्रेस यानी किस पीसी ने मेरे को एक्सेस किया, राउटर का कंसोल लिया हुआ है, लेकिन अब मैं शो यूजर करूंगा तो मुझे बता रहा है कि
फैज ने लॉग इन किया हुआ है कौन से आईपी से, अब मेरे को आईपी भी बता रहा है साथ साथ यूजर भी बता रहा है। उस पीसी पे फैज ने लॉग इन किया हुआ है, इस वाले पीसी में राहुल ने लॉग इन किया हुआ है और इसने जितेंद्र है। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देने का फायदा आप लोगों को दिख गया कि क्या है, दिख गया कि यहाँ पे हम यूजर नेम हमेशा सेट करते हैं। यूजर नेम पासवर्ड सेट करोगे तो आपको क्या रहेगा ये चीज पता लगेगा कि किस बंदे ने लॉग इन किया है। और हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम एक रियल टाइम पे ना हम लोग एक सिसलॉग सर्वर होता है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ये सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से चीजें बता रहा हूँ, मैं आप लोगों इतने इन डेप्थ में तो कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन मैं कहता चलो थोड़ा सा आइडिया ले लो कि कैसे चीजें होती हैं। अब मेरे पास एक सिस लॉग सर्वर होता है, ठीक है, दिस इज सिस लॉग सर्वर कंपनीज के अंदर, हर कंपनी में होता ही चीज। और ये राउटर है, इस राउटर को सिस लॉग के साथ कनेक्ट कर लिया और इसके साथ पीसी कनेक्टेड है, ये मान के चलो मेरा स्विच है, स्विच के साथ ये लगा दिया मैंने और कुछ पीसीस कनेक्टेड है। अब ये यूजर जब भी लॉगिन करेगा ना, जब भी इस पीसी को लॉगिन करेगा, इसको लॉगिन किया इसने, तो लॉगिन करने के बाद ये क्या करेगा, एक लॉग मैसेज इसके पास भेज देगा और ये इसको स्टोर कर लेगा कि इतने बजे इस यूजर ने इस आईपी से लॉगिन किया है और ये कमांड उसने चलाया है। ये सिसलॉग सर्वर का काम होता है, ये कंपनी के अंदर कॉन्फ़िगर किया जाता है स्पेशली, क्योंकि आप देख रहे होंगे, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि जब भी मैं राउटर के इंटरफेस पे कोई भी कमांड टाइप करता हूँ या कुछ भी, तो एक लॉग दिखाता है। जैसे कि मैं राउटर पे गया, मैं राउटर के कॉन्फ़िगर मोड पे चला गया और कॉन्फ़िगर मोड पे मैं इंटरफेस गिग 0/0/0 पे 1 पे चला गया और मैंने यहाँ पे कमांड टाइप किया नो शट, तो मेरे को एक लॉग मैसेज दिया ये अप हुआ है, लेकिन ये लॉग लॉग मैसेज है ये इसी टर्मिनल पे दिखा हुआ है, लेकिन ये कहीं पे स्टोर नहीं हुआ है, ये टेम्प्ररी है, मैं इसको बंद कर दूंगा ये लॉग डिलीट हो जाएगा। तो सिसलॉग क्या करता है, सिसलॉग सर्वर का काम ही यही होता है कि अपने पास लॉग्स को स्टोर करके रखना। तो जो कमांड आपने अभी टाइप किया है ना, वो कमांड जो भी लॉग इसके ऊपर जनरेट हुआ, इसने उठा के यहाँ भेज दिया और इसने इसको स्टोर कर लिया। ये फ़ायदा इसलिए होता है कि मुझे ट्रैक करना है कि इस राउटर के ऊपर किस बंदे ने क्या काम किया या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो उसको ट्रैक करने के लिए बेसिकली सिसलॉग सर्वर का यूज़ किया जाता है। तो समझ में आ रहा है चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, कि ये यूज़र ने लॉग इन किया, कब किया, किस लिए किया, क्या कमांड चलाई, वो सारा का सारा सिसलॉग सर्वर स्टोर करता रहेगा अपने पास। ठीक है, उसको हटा देते हैं हम। अब टेलनेट इट इज़ अ नॉट सिक्योर, मैंने आप लोगों को एक कमांड बता अभी एक चीज़ बताई भी था कि इट इज़ नॉट सिक्योर, बस मैं ये चीज़ करा के ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ दिखाऊंगा आप लोगों को, अभी आप लोगों को सिर्फ दिखाऊंगा। डिसएडवांटेज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, इट इज़ नॉट सिक्योर। अब क्या क्यों सिक्योर नहीं है, कि अगर मान के चलो कि मेरे पास यही सिनेरियो चल रहा है, अब ये बंदा जो है एक ऐसा बंदा है, या ये सेल्स वाला बंदा है मान के चलो, या फिर ये ही ले लेते हैं एक जूनियर बंदा है, इस जूनियर बंदे ने नेटवर्क पे लॉगिन किया हुआ है और आप अपने पीसी से इसको टेलनेट कर रहे हो और आपने डाला यूज़र नेम अमित एंड पासवर्ड अमित। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम और चलो वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो आपने यूजर नेम अमित डाला, पासवर्ड अमित डाला और एक्सेस कर लिया, आपके पास एक्सेस आ गया। लेकिन इस यूजर ने क्या किया हुआ है, अपने पीसी पे ऊपर बहुत सारे ऐसे टूल आते हैं जो कि आपके पैकेट को कैप्चर करता है, तो इसने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जिसको बोलते हैं वायर शार्क। पेंट पे चलते हैं, वायर शार्क एक एप्लीकेशन है जो कि आपके पैकेट को कैप्चर करता है, पैकेट कैप्चर टूल होता है ये, पैकेट कैप स्पेलिंग CAPTURE, कैप्चर टूल, पैकेट कैप्चर टूल होता है बेसिकली, ये आपके नेटवर्क पे जो भी पैकेट इन आउट होता है उसको ये कैप्चर कर रहा होता है। ठीक है, और
ये कैप्चर टूल क्या करता है कि अगर आपने टेलनेट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया है तो ये आपके पैकेट को कैप्चर करेगा, और जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड आपने दिया है वो आपका स्टोर कर लेगा और बता देगा ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपने यूज़ किया है। तो इसीलिए हम लोग टेलनेट यूज़ नहीं करते हैं। मैं आपको इसका लाइव एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, मैं सिर्फ आप लोग को बता रहा हूँ कि ये कैसे ट्रैक करते हैं हम लोग। लेकिन आप लोगों को अभी इसलिए इसके अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये अभी करना है आप लोगों को, जस्ट मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये इसके लिए मैं GNS यूज़ करूँगा, ठीक है। ये GNS है, ठीक है, सिर्फ आपकी मैं इसके ऊपर आप लोगों को काम करना, इन फ्यूचर में दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। ओपन यहाँ पे टेलनेट, ये मैंने पहले से एक एप्लीकेशन मतलब टोपोलॉजी बनाया हुआ है। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये भी मेरे एक GNS है, इसी की मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छा टूल है ये प्रैक्टिस करने के लिए। और यहाँ पे IP है 10.1.1, इसका 1 IP है, और इसमें मैं डाल देता हूँ गीगाबिट 0 पे 100, ठीक है। इसको एक्सेस कर रहा हूँ मैं, जस्ट आप लोगों को पैकेट कैप्चर करके दिखा रहा हूँ दोस्त, सिर्फ आप लोगों को देखना है ये चीज़। इसके ऊपर काम करना मैं इन फ्यूचर में सिखाऊंगा कैसे हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। राहुल आपने काम किया इसके ऊपर? इसके ऊपर काम किया तुमने GNS के ऊपर? हेलो, हेलो, नहीं, मैं पैकेट ट्रेसिंग पे किया अभी यार, अच्छा GNS आपने कभी यूज ही नहीं किया है, पैकेट ट्रेसिंग पे किया नहीं, चलो कोई बात नहीं। नहीं देखा तो है पर प्रैक्टिस देखा है कि पंजी थोड़ा पता पर दे दी यार, प्रैक्टिस वो नहीं किया, काम नहीं किया इसका। बहुत, एक बार काम कर लोगे ना दोबारा भूल जाओ उसको, क्या नाम है, पैकेट ट्रेसर को भूल जाओगे तुम लोग। अभी जब हम लोग राउटिंग ये करेंगे ना मतलब ये तब, रियल पे काम होता है क्या? बिल्कुल ये रियल डिवाइस के ऊपर लगता है ऐसे काम कर रहे हो, ठीक है। अब देखो मैं R1 यानी मेरा ये वाला PC, ठीक है, कॉन्फ़िग मोड पे चला गया, इंटरफेस गिग 0/0, नो शट, IP एड्रेस इज 10.1.1.1, 255.255.255.0, जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ पैकेट कैप्चर करके और कुछ नहीं। IP एड्रेस 10.1.1.100, पहले पिंग करके चेक कर लेते हैं 10.1.1. के साथ रीचेबिलिटी है नहीं है, है ठीक है। अब मैं इसके ऊपर R2 यानी इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइन VTY 0 to 4 ले लेते हैं, 5 लॉगिन करा देते हैं, और मैंने यहाँ पे दे दिया लॉगिन लोकल एंड देन यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, पासवर्ड मैं दे देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। ठीक है मैंने ये कॉन्फ़िगर कर लिया R2 के ऊपर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पैकेट कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे वाइट यहाँ पे वाइट शैक ओपन करूँगा, और उसके बाद मैं इस R1 से यानी इस PC से मैं पैकेट कैप्चर टूल यूज़ करूँगा, और इस PC से बैठ के इसको टेलनेट करूँगा, ठीक है। होल्ड करना, राइट क्लिक किया, स्टार्ट पैकेट, स्टार्ट कैप्चर, ओके,
ये वाईफाई खुल गया ठीक है। अब मैं इस पीसी पे आया R1 पे, टेलनेट किया 10.100 को, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 1234, खत्म। पैकेट पे चलते हैं, ये सारा इसने पैकेट कैप्चर किया। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ ऊपर से, यहाँ से स्टॉप कर दिया। अब देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को जब OSI मॉडल पढ़ाया था तो आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताया था कि हम लोग जब भी TCP बेस्ड कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, थ्री थ्री वे हैंडशेक, थ्री वे हैंडशेक परफॉर्म होता है, जिसके अंदर क्लाइंट क्या करता है, एक सिंक पैकेट भेजता है सेंडर, रिसीवर सेंड और एक्नॉलेजमेंट भेजता है, सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट। और एक सेकेंड, ये दो सर्वर है या दो पीसी है। जब भी मैं TCP बेस कनेक्शन बनाऊंगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एक सिन पैकेट भेजेगा, मैंने आपको बताया था। उसके बाद और इसका जो सीक्वेंस नंबर होगा वो जीरो बजाएगा, बताया था मैंने, सीक्वेंस नंबर जीरो लगा के ये क्या करेगा, ये सिन प्लस एक भेजेगा, सिन प्लस एक भेजेगा। सिंक्रोनाइजेशन जो होगा वो तो होगा जीरो, और एक्नॉलेजमेंट वन करके भेजेगा। वन क्यों भेजेगा, क्योंकि जो इसने सिंक जीरो भेजा है उसका एक्नॉलेजमेंट वन करके इसको भेजेगा ठीक है। और ये पीसी क्या भेजता था, एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजता था, सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर वन लगा के। तो पहले हम ये चीज चेक करते हैं, यहां पे आओ, ऊपर छोड़ दो, ये देखो 10.1 कौन है मेरा, 10.1 ये इसने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है इसके लिए। तो सबसे पहले 10.1 ने 10.1.1.100 को क्या भेजा, एक सिन पैकेट भेजा, सिन पैकेट भेजा जिसके अंदर सीक्वेंस नंबर क्या लगाया, जीरो। सीक्वेंस नंबर जीरो लगा के भेजा किसने, 10.1 ने, 10.1 ने भेजा है 10.100 को, यानी 1.100 को भेजा है एक सिन पैकेट। फिर 100 ने क्या भेजा है, सिन प्लस एक, सीक्वेंस नंबर जीरो और एक्नॉलेजमेंट नंबर वन, ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर वन भेजा है जीरो का भेजा है। और वापस ये क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा और सीक्वेंस नंबर वन लगा के। तो मैंने बताया कि जब भी हम लोग TCP बेस कनेक्शन बनाते हैं सबसे पहले ये तीन पैकेट एक्सचेंज होते हैं, ये तीन पैकेट, उसके बाद एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो है 10.1 ने 10.100 का एक क्या लिया है, TCP कनेक्शन लिया है। चेक करते हैं, राइट क्लिक करो, यहाँ पे फ्लो पे जाओ और TCP स्ट्रीम पे जाओ, ये पैकेट कैप्चर हुआ था मेरा। अब देखो यहाँ पे यूजर नेम क्या है, एडमिन, और पासवर्ड इट इज 1234, पूरा का पूरा कैप्चर हो गया। तो मेरे को पता लग गया मेरा यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड मेरा एडमिन है। तो ये तरीका था, मतलब दिखाया मैंने आप लोगों को कैसे हम लोग पासवर्ड को कैप्चर कर सकते हैं अगर हमारा टेलनेट बेस्ड कम्युनिकेशन है। तो क्या कह रहे हो, टेलनेट की दिक्कत है, हाँ ये टेलनेट के, हाँ एक कह सकते हो कि टेलनेट का ये ड्रॉबैक है। अगर मेरा ये कनेक्शन SSH होता, अब मैं सिक्योर शेल कल बताऊंगा, तो अगर हम SSH बेस्ड कनेक्शन करते तो ये पासवर्ड हमें और यूजर नेम इनक्रिप्ट फॉर्मेट में दिखाता, पता ही लगता कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बट इसमें दिखा रहा है। तो मैं जस्ट आप लोगों को बताया कि जब भी हम थ्री वे कनेक्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, एक TCP थ्री वे हैंडशेक होता है, सिन सिन एक एंड एक्नॉलेजमेंट, ये वाला, ये चीज़ भी तुम लोगों को क्लियर हो गई, सिन पैकेट, सिन एक अन एक्नॉलेजमेंट पैकेट। TCP बेस्ड कनेक्शन होगा तो ये होगा ही होगा, पहले ये होगा, ये कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही एक्चुअल कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। और ये देखो किसने भेजी है, सोर्स, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा सोर्स है, इसने भेजा है,
रिक्वेस्ट किसको? 100 को, टीसीपी बेस कनेक्शन है, और ये मेरा 23 पोर्ट, टेलनेट का 23 पोर्ट होता है, तो ये मेरा सोर्स पोर्ट है, ये मेरा डेस्टिनेशन पोर्ट है। पैकेट फ्लो करेंगे और हम लोग अच्छे से समझेंगे। सोर्स पोर्ट देखो वही है ना, 4921 जो मैंने तुम लोगों को बताया था, एक रैंडम पोर्ट, ये रैंडम पोर्ट है और ये वेल नोन पोर्ट है, 23 पोर्ट मेरा डेस्टिनेशन पोर्ट वेल नोन है, ठीक है? तो इतना ही, हाँ इतना ही हम लोग रखते हैं, बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। बाकी लोग नहीं, ठीक